अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो सब? ठीक हो? कैसी गुजरी फिर ईद आप सबकी? और मेरी ईद तो पहले दो दिन तो आप सबके साथ ही गुजरी। आप सबको पता है कि मेरी कैसी गुजरी कैसी नहीं गुजरी। और कल का जो दिन था वो मैं काफ़ी बीमार था, इस वजह से मैं कल का भी व्लॉग नहीं बना सका। और अभी मैं अभी उठा हूँ तो उठते ही मैंने बाहर विंडो से देखा तो मौसम भी काफ़ी हसीन था, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखाता चलूँ कि देखें कि आज यहाँ पे हमारे सिटी शेखपुरा में कितना प्यारा मौसम हुआ है, कितना हसीन बादल आ रहे हैं। और काफ़ी गर्मी थी कुछ दिनों से, तो लेकिन आज जो बादल आ रहे हैं इसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत कम हो चुकी है। ये देखिए रिमझिम स्टार्ट हो चुकी है और मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ बारिश आएगी क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा आ चुका है और बादल और आता जा रहा है मजीद। इसी के साथ इंजॉय करते हैं बारिश में, मैं तो नहाने लगा हूँ बारिश के अंदर। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, अभी चलते हैं ऊपर। जी मैं छत पे आ चुका हूँ और बारिश की शिद्दत तो बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता से, बच्चे भी ऊपर ही हैं। मुझे तो बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। चल झूठा। और मैं तो बारिश में देख के अब नहाने लगा हूँ बारिश के अंदर। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये बारिश रहमत वाली साबित हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जैसे कि कराची के अंदर और भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको नुकसान से महफूज रखे, आमीन। और ये क्या हुआ, बादल तो आगे जाता जा रहा है। इधर तो बारिश बिल्कुल थम चुकी है और मैंने तो सोचा था कि मैं बारिश में ना होऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ के अंदर भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है। और अभी नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि बारिश तो थम चुकी है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से रिमझिम हो रही है बस। बारिश तो काफी तेज हो गई है, अभी दोबारा छत पे चलते हैं। ओह माय गॉड, वाओ, वाह। जैसे कि अभी बारिश बहुत तेज हो चुकी है और मैंने भी नहा लिया है बारिश में, मेरे बाल भी देख सकते हैं काफी भीग चुके हैं बारिश के अंदर। और काफी ज्यादा एंजॉय किया मैंने बारिश के अंदर। और अभी मैं नीचे चलता हूँ। ओहो, दरवाजा बंद करना तो भूल ही गए। अभी नीचे गोदाम में चलते हैं, वहां पे बारिश देखते हैं। हाँ जी विकास मियाँ, दयाबद मियाँ, बारिश इंजॉय हो रही है फिर? हो रही है। किस तरह इंजॉय कर रहे हो? दयाबद तू शक्ल देखें इसकी। ये चाचू भी आ रहे हैं, इन्होंने तो अम्ब्रेला पकड़ी, इनसे पूछते हैं बारिश के क्या सूरत हाल है, कैसा एंजॉय किया इन्होंने? कैसा एंजॉय किया बताएं आप। बहुत मजा आया, बहुत मजे वाली आ रही है, एंजॉय करने का। वैसे देख के लग नहीं रहा कि आपको बारिश के अंदर मजा आया है। और अभी ऊपर चलते हैं फिर। एक तो माशाल्लाह से सीढ़ियां ही बहुत ज्यादा हैं। ओहो हो माशाल्लाह, इसको देखें जरा, इस बीबी को, ये क्या करी, क्या कर रहे हो ईमान? ईमान अभी किचन में चलते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं किचन से जाके और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है अभी। जी अभी ब्रेकफास्ट ले आया हूँ मैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर एक दो काम है बाहर तो फिर वो करते हैं। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक दो काम है और मैं अभी मोइस को पिक करने लगा, मोइस को पिक करने के बाद फिर मैं मोबाइल मार्केट जाऊँगा तो वहाँ पर मोबाइल देखना है एक, तो फिर यानी कि आगे एक दो काम हो रहा है फिर बाद में वो करते हैं। अभी मोइज आया था भाई तो, लेकिन वो कहता कि मुझे टट्टी आई है, वो टट्टी करके अभी आता था फिर आगे चल। गजब बेइज्जती है। चलते हैं हम फिर, ये मोइज भाई टट्टी करके आ गए। अरे यार बारिश इतनी हुई नहीं है लेकिन पानी कितना ज्यादा खड़ा हो गया इधर। मोबाइल मार्केट पहुंच गए हैं और अभी शॉप पे जाने लगे हैं। चल मोबाइल मार्केट गए थे अभी तो कोई फोन पसंद नहीं आया, अभी घर की तरफ वापस जा रहे हैं। घर पहुँच कर अभी कजन के साथ दही वाले लेने के लिए आए हूँ। यार भाई थोड़े ज्यादा डालें, हमके पुराने गाहक हैं। मेहरबानी यार,
यार कहना चाहिए क्योंकि हम पुराने कस्टमर है भाई के। सामान घर पकड़ा दे और अभी कजन के साथ उसके ऑफिस जा रहा हूँ कजन को छोड़ने के लिए। चलें ये लो बाइक के चल। ट्रैफिक जैम तकरीबन 15 मिनट हो गए अभी हमें ट्रैफिक के अंदर और अभी तक हम ट्रैफिक के अंदर ही फंसे हुए हैं। 20 minutes later. आखिरकार हम ट्रैफिक से निकल आए। जी पहुंच गए हम अभी ऊपर जाने लगे हैं। ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है ना अली भाई। Later. अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से और अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। कजन को छोड़ दिया यहाँ पे और लूडो वगैरह खेली है तो अभी जाने लगा हूँ वापस। मौसम काफी अच्छा हुआ है। अभी मैं घर पहुँच गया हूँ। नमाज का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद अभी मैंने सिस्टर को छोड़ने जाना है। सिस्टर को छोड़ करके आके फिर दोस्त के साथ कहीं पे बाहर निकलते हैं और एक कज़न भी मेरा आ रहा है उसे भी पिक करना है मैंने, तो उसका भी टाइम तकरीबन वो पहुँचने वाला ही है अभी। A few moments later. जी अभी कज़न को भी ले आया हूँ, नमाज भी अदा कर ली और सिस्टर को भी छोड़ आया हूँ। और अभी यानी कि लैपटॉप दिया हुआ था मैंने शो पे, मैंने बताया था आप सबको, तो अभी लैपटॉप लेने के लिए जा रहा हूँ तो अभी वहाँ पे चलते हैं। अभी मैं घर से निकला हूँ तो मैंने सोचा कि मोइस को भी रास्ते से पिक कर लेते हैं, मोइस को साथ लेकर के फिर आगे चलते हैं। ये आ गया मोइस, अभी इसको साथ लेके चलते हैं। इसको हमेशा सुस्ती चढ़ी रहती है, हर टाइम जब भी इसे देखोगे इसे सुस्ती चढ़ी रहेगी। ये तो सस्ता नशा करता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अभी मैं लैपटॉप ले आया हूँ और लैपटॉप ऊपर रख के घर अपने रूम में, तो फिर मोइस को छोड़ने चलते हैं। मोइस को घर उतारना है, अभी बैग वगैरह रख लिया ऊपर, तो अभी चलते हैं मोइस को घर छोड़ने के लिए। ठीक है सर, चल मोइस को उतार दिया, फिर अभी अपने घर जा रहा हूँ मैं। अब जी ये वाले कज़न थे जिन्हें अभी हम लेके आए थे, इनके ऊपर देखें, इनकी शक्ल पे तरस आएगा आपको, इनकी हालत देखें। Looking handsome. Damn! और अभी मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, वो दूसरे कज़न के घर के आए, तो अभी अपने घर चलते हैं। और मैं अपने घर पहुँच गया हूँ, अभी बाइक वगैरह मैंने खड़ी कर ली और मेरे सर में इस टाइम फुल शिद्दत से दर्द हो रही है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। और आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।